दिल्ली के बुराड़ी इलाके में नर्सिंग स्टूडेंट ने सुसाइड किया है। हॉस्टल में पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। मृतक का नाम किरण शर्मा था। पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पूछताछ की जा रही है। आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। नर्सिंग स्टूडेंट ने क्यों सुसाइड किया। हॉस्टल के जो साथी हैं उनसे पूछताछ की जा रही है क्योंकि कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। किरण शर्मा नाम बताया जा रहा है नर्सिंग छात्रा का। किन वजहों से सुसाइड किया पुलिस जांच कर रही है। किरण शर्मा था नर्सिंग छात्रा का जिसने सुसाइड कर लिया। हॉस्टल के कमरे में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। जतिन शर्मा जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। जतिन, कुछ पता चल पाया क्यों इतना बड़ा कदम उठाया नर्सिंग छात्रा ने? हालांकि इस मामले को अभी दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं किया गया है। किरण नाम है लड़की का, 18 साल उसकी उम्र है, पढ़ने आई हुई थी और अपने ही जो हॉस्टल का कमरा है वहां पर फांसी लगाकर आत्महत्या की। हालांकि परिवार वालों को इस मामले में जानकारी दी गई है, लेकिन परिवार वालों के दिल्ली आने पर ही कुछ स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाएंगे, उससे ही तमाम चीजें साफ होंगी। लेकिन जो उसके फ्रेंड्स हैं उनका ये कहना था वो किसी बात को लेकर पिछले कुछ दिनों से परेशान चल रही थी और शायद वही वजह थी जिस वजह को लेकर आत्महत्या जो है वो की गई हो। हालांकि अभी दिल्ली पुलिस के हाथ खाली हैं। जो लड़की है उसकी चीजों को भी सीज किया गया है और परिवार वालों के स्टेटमेंट के आधार पर ही असल जो वजह है वो सामने आ पाएगी। जी चलिए, शुक्रिया आपका जतिन शर्मा जानकारी देने के लिए।